एक इंसान इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी चैन से सो कैसे सकता है? एक इंसान की वजह से आज लाखों लोग सड़कों पे हैं। संजय रॉय एक ऐसा क्रिमिनल जिसने क्राइम की सारी हदें पार कर दी। इसने आरजी कर हॉस्पिटल में क्राइम करने से पहले ऐसे ऐसे काम किए थे जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो वो अस्पताल में तैनात कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन के बैरक में सोता हुआ मिला। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस मामले की जाँच शुरू की थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के अगल बगल लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखना शुरू किया। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के अगल बगल कम से कम 15 लोग नजर आए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। इन सारे लोगों का कत्ल के कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने पुलिस की सवालों का सही जवाब दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की नजर में नहीं आया था, क्योंकि वो वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में ही जाकर सो गया था, वो भी नशे में धुत। अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की टाइमिंग पता कर चुकी थी। उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू कर दिया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के अगल बगल नजर आया। अब क्योंकि संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकाल कर उसे अस्पताल में भर्ती मरीज को दिखाया। ये मरीज और कोई नहीं बल्कि एक और सिविक वॉलेंटियर सौरभ का भाई था, जो उसी अस्पताल में कुछ समय से भर्ती था। इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई, तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से ये साफ हो चुका था डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई है। क्योंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो ये बात भी साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास की गई। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। इसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की जद में नहीं आया था, वो पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान तो कर ली, लेकिन अब तक सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था, तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर ये जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है। ये सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ ये देखकर हैरान रह गया कि बेफिक्र संजय ने सिर्फ मैं देखता हूं कहकर बात टाल दी। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी। इसके बाद फिर वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बैरक में पहुंची, तो नशे में धुत वो वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया, बल्कि पुलिस से कहा, मुझे फांसी दे दो। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल कर रहा था। पुलिस को पूरी सिक्वेंस समझा रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वॉलेंटियर था। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजी कर अस्पताल में भर्ती करवाया था। वो दोपहर को 1:30 बजे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन पर गया था। वहां उसने पूछताछ की और भर्ती हो जाने के बाद रात को 10:30 बजे वो फिर से अस्पताल पहुँचा। वहाँ संजय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों ने मरीज को अस्पताल में
में छोड़कर बाहर गए और उन्होंने शराब पी। इसके बाद दोनों दो दो रेड लाइट एरिया गए। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। जब दो दो रेड लाइट एरिया से घूमकर दोनों आरजी कर अस्पताल के पास पहुंच गए तो संजय 4th बटालियन की ओर जाने की जगह अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वो 4th बटालियन की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वो जाएगा। तभी रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने बताया कि आरजी कर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क 4th बटालियन की तरफ जाती है, इसलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से 4th बटालियन पहुंच जाए। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि इसके बाद संजय कब बैरक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए जब वो संजय को जगाने में बैरक में पहुंचा, तो वो गहरी नींद में सो रहा था। दो बार जगाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वो अकेला ही अस्पताल चला गया और वहां उसने डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वो संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा, तो वो लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजी कर में हुई वारदात के बारे बताया और उसके बारे में पता करने को कहा, क्योंकि संजय की कई लोगों से जान पहचान थी। इस पर उसने कहा कि वो चेक कर रहा है। सौरभ की माने तो इसके बाद वो टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला और फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय को साथ में अस्पताल चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन हर बार वो बचता रहा। आखिर में उसने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही और अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजी कर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त के रोज भी वो बेहद रिलैक्स्ड और खुश दिख रहा था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे ये पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया। फिलहाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर का मुलजिम संजय रॉय जेल में है। उसको पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद पुलिस ने उसे उसके हवाले कर दिया। लेकिन आखिर संजय के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं, जिसके चलते पहले पुलिस और अब सीबीआई भी उसे ही इस केस का इकलौता क्रिमिनल मान कर चल रही है? तो जवाब है 53 से ज्यादा वो सबूत जो कोलकाता पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद सीबीआई के हवाले किए हैं। इन सबूतों में टेक्निकल एविडेंस से लेकर मौकाए वारदात और संजय के पास से बरामद वो चीजें भी शामिल हैं, जिन्होंने संजय को फंसा दिया है। वारदात के बाद पुलिस को संजय रॉय का सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही मिल गया था, जिसमें वो अस्पताल के सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। इसके बाद मौके से उसका टूटा हुआ ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिला, जिसकी पेयरिंग उसके मोबाइल फोन के साथ थी। ये भी उसके पकड़े जाने की एक अहम वजह साबित हुई। इसके अलावा भी 9 अगस्त की रात 8:30 से 9:45 तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स ने मौकाए वारदात से करीब 40 से ज्यादा एग्जिबिट्स यानी नमूने इकट्ठा किए और इनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई। कोलकाता पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में संजय रॉय के मोबाइल फोन का सारा डाटा इकट्ठा किया। इसमें वारदात के वक्त उसके मोबाइल फोन की लोकेशन का आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के आसपास होने की बात भी साबित होती है। इसके अलावा वो जहां से ट्रैवल कर यहां तक पहुंचा और जहां जहां रुका, वो सब मोबाइल फोन में दर्ज है। ट्रेनी डॉक्टर की लाश और आसपास की कुछ चीजों पर उसके फिंगरप्रिंट के निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले हैं। इसके अलावा वारदात के दौरान पहने गए उसके कपड़े, इनर गारमेंट्स, चप्पल में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के खून के निशान सब कुछ पुलिस के पास है। और तो और संजय रॉय के ब्लड सैंपल भी मौके पर मिले खून के कुछ धब्बों से मैच कर गया है। ये संजय के खिलाफ बेहद अहम सबूत है। इसके अलावा कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में मौजूद एक बैंक के सीसीटीवी कैमरों में कैद संजय की कुछ तस्वीरें उसके मूवमेंट की तस्दीक करते हैं। इन्हें भी पुलिस ने सुरक्षित रख लिया था, जिन्हें अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। कुछ रोज पहले तक ये सवाल हर किसी की जुबान पर था कि क्या इस वारदात को अकेले संजय ने ही अंजाम दिया या फिर कोई
कोई और भी उसके साथ थी, लेकिन तमाम टेक्निकल एविडेंस और दूसरे सबूतों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 8 और 9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अकेले ही इस क्राइम को अंजाम दिया। यह केस सुलझने के बजाय और उलझते ही जा रही है। खैर, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू।